गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए सम। जो नया है इस चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? इफ एस कॉमा पी कॉमा आर the sum product and the sum of the reciprocals of n terms of a GP respectively, then verify that s upon r power n is equal to p square। तो हमें क्या दिया है? सम प्रोडक्ट एंड रेसिप्रोकल ऑफ अ जी पी दिए, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, ठीक है। हमने कंसिडर किया, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। तो हम जीपी जनरल फॉर्म ऑफ जीपी कह रहे थे, ए कॉमा आर स्क्वायर अप टू द आर रेस टू एन माइनस वन, ये जनरल फॉर्म है, बराबर। तो गिवन में क्या दिया है? पहले इसका सम निकालो, फिर प्रोडक्ट निकालो, फिर रेसिप्रोकल। मतलब पहले इसका सम, फिर प्रोडक्ट, फिर रेसिप्रोकल। तो अब इस सम क्या रहेगा? सम इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू द प्लस ए आर एन माइनस वन, ठीक है, बराबर। तो अभी हम इधर क्या इसको इधर सम पूछे, सम ऑफ एन टर्म क्या रहता है? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला रहता है? आर ग्रेटर देन वन लेस देन वन, हम कंसीडर करते हैं ना फॉर्मूला में। लेकिन इधर आप ग्रेटर देन वन कंसीडर करो या लेस देन वन करो, आंसर सेम आता है। तो हम इधर ग्रेटर देन वन कंसीडर करेंगे। तो क्या आएगा फॉर्मूला? ए ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, ये हुआ सम। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर अप टू द ए आर रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। तो हम अभी इधर क्या करेंगे, देखो अभी इसको ठीक से लिखते ए इंटू ए आर, वही जो क्या ब्रैकेट हटाई दिया, सिर्फ ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए। अगर हम इधर देखें तो ए, देखो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए बढ़ते जा रहा है, ए कितना बार बढ़ते जा रहा है? इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स बढ़ते जा रहा है। तो हम ए को कैसे लिख सकते? ए रेस टू एन निकल सकते, बराबर, ए रेस टू एन रख सकते ना। नेक्स्ट, क्योंकि ए एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू ए, मतलब एन टाइम्स ए जा रहे। नेक्स्ट अभी आर, इधर आर क्या है? वन है, आर टू है, आर थ्री आर फोर आर फाइव, ऐसे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम किस लिख सकेंगे? ब्रैकेट आर रेस टू वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू द एन माइनस वन, बराबर, ऐसे लिख सकते ना हम। आर रेस टू वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन क्यों लिखा? क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो एनी मल्टीप्लाई में इंडेक्सेस कर रहे थे हम, हमेशा प्लस ही करते, बराबर। इसलिए वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन, ठीक है। अभी अगर आपको याद होगा सम कैसे निकलते, सम ऑफ फर्स्ट वन सम ऑफ, ऐसे लिखते हैं हम एपी में, अगर देखा रहेगा सम ऑफ दिस थ्री अप टू द एन, एपी में कैसे सम निकलते थे? सम इज इक्वल टू इसका कैसे लिखते थे हम? एन एन प्लस वन अपॉन टू, बराबर, ऐसे लिखते थे ना हम सम वन प्लस टू अप टू द एन। सेम इसी तरह हम इस पर भी लिखेंगे। तो क्या आएंगे इधर? ए रेस टू एन मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन एन माइनस वन अपॉन टू। अब इधर एन एन माइनस वन क्यों है? इधर एन एन प्लस वन है। अभी इधर कंस्ट्रक्ट करते, इधर एन है सिर्फ और इधर एन माइनस वन है, ठीक है। तो जिधर इधर एन है उधर हम एन माइनस वन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएंगे? एन माइनस वन ब्रैकेट एन माइनस वन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू,
माइनस वन प्लस वन इज एन, तो एन माइनस वन एन अपॉन टू। ठीक है, समझ में आया कैसे आया ये है पी इक्वल टू। लेकिन क्वेश्चन में कह रही है वेरीफाई क्या करना है, एस अपॉन आर रेस टू एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बोला है इक्वल टू पी स्क्वायर, ये तो सिर्फ पी है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा पी स्क्वायर इक्वल टू ए रेस टू टू एन इन टू आर रेस टू, जब इधर स्क्वायर आएगा तो इधर टू आएगा बराबर, टू टू गेट कैंसिल, बचा क्या एन एन माइनस वन। ठीक है, एस मिला पी स्क्वायर मिला, अभी बारी आर की बारी। ठीक है, आर ढूंढेंगे, आर इज इक्वल टू क्या बोला रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल निकालना है बराबर, रेसिप्रोकल क्या है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो क्या कैसे लिखेंगे हम, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए आर प्लस वन अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस अप टू द वन अपॉन ए आर रेस टू एन माइनस वन। अब इधर क्या करेंगे हम, वन अपॉन ए को कॉमन निकालेंगे, तो क्या आएगा वन अपॉन ए कॉमन, फिर क्या आएगा वन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर अप टू द वन अपॉन आर रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, अभी इधर और क्या कर सकते हम, क्या करेंगे इनका रेस अपना डिनोमीटर सेम करेंगे, इधर वन ही चाहिए सिर्फ, इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है आर एस टेन माइनस वन, तो डिनोमीटर में हम सेम करेंगे, डिनोमीटर में सेम करेंगे तो इधर क्या आएगा आर एस टेन माइनस वन प्लस आर एस टेन माइनस टू प्लस आर एस टेन माइनस थ्री प्लस अप टू द आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन अपॉन आर एस टू एन माइनस वन। सिंपल, अभी कैसा आया सबको डाउट आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी बता दो इन डिटेल में, बता दो किसने बताया नहीं अभी तक, मैं बता दो कैसे आया सब। ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्या था हमारा वन प्लस वन अपन आर प्लस वन अपन आर स्क्वायर प्लस अप टू वन अपन आर एस टू एन माइनस वन बराबर, ये लिखना नहीं है। ठीक है, ये कुछ लिखना नहीं है इधर से। ठीक है, तभी मुझे जैसे अपना एल सी एम सेम करना है, अगर सपोज ऐसे रहता है इधर वन प्लस टू अपन थ्री, हम क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, थ्री प्लस टू अपन थ्री आता तो क्या आता फाइव अपन थ्री बराबर, सेम वे ईयर इधर भी हम ऐसे करेंगे, पर इधर से वन है आर आर एस टू स्क्वायर सबसे बड़ा पावर क्या है आर एस टू एन माइनस वन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सब जगह, जब ये वन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो क्या रहता है आर एस टू एन माइनस वन प्लस आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर सॉरी आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस अप टू द वन अपॉन आर एस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो आर एस टू एन माइनस वन प्लस ये आर ऊपर गया तो क्या आएगा आर एस टू एन माइनस वन इन टू आर एस टू माइनस वन प्लस आर एस टू एन माइनस टू एन माइनस वन या आर आर एस टू स्क्वायर ऊपर गया तो आर माइनस टू प्लस अप टू द अपन आर एस टू एन माइनस वन, ये ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, डिनोमीटर में ये वन रहेंगे इधर आर एस टू एन माइनस वन, अभी आर एस टू एन माइनस वन ये इंडेक्सेस यूज करेंगे तो क्या आएगा प्लस आर एस टू एन माइनस वन माइनस वन प्लस आर एस टू एन माइनस वन माइनस टू प्लस अप टू द प्लस वन अपॉन आर एस टू एन माइनस वन। अभी क्या रहेगा आर एस टू एन माइनस वन प्लस आर एस टू माइनस वन माइनस माइनस टू प्लस आर एस टू माइनस थ्री प्लस अप टू द प्लस वन अपॉन आर एस टू एन माइनस वन। लेकिन मैंने इधर कुछ लिखा था सब में, मैंने आर स्क्वायर प्लस आर लिखा था बराबर, वो कैसे है आर स्क्वायर प्लस आर है ना, तो बड़ा बड़ा रहेगा। अब इधर एन माइनस वन लिखा है हमने लास्ट, इधर क्या डिजिट आर एस टू एन माइनस वन ही चाहिए, सपोज उसकी इधर एन आर एस टू एन माइनस टू रह सकता था बराबर, वन अपन आर प्लस वन अपन आर एस टू एन माइनस थ्री भी रह सकता प्लस वन अपन आर एस टू एन माइनस फोर भी है। ठीक है, तो जब इनको क्लोज मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर एस टू एन माइनस टू प्लस
R^(n-1) upon R^(n-3) plus R^(n-1) upon R^(n-4). अभी ये टर्म ऊपर गया तो क्या आएगा, R^(n-1) इंटू R^(-n+2) प्लस R^(n-1) इंटू R^(-n+3) प्लस R^(n-1) इंटू R^(-n+4). अभी क्या आएंगे इधर, प्लस एन माइनस एन गेट कैंसिल, -1 + 2 = 1, सो R ही हो गया। इधर n - n गेट कैंसिल, -3 + 3 = R² प्लस n - n गेट कैंसिल, 4 - 1 = R³। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R^(n-1) प्लस R^(n-2) प्लस R^(n-3) प्लस R³ प्लस R² प्लस R, और बचा था 1 अपॉन R^(n-1). ठीक है, क्लियर, समझ में आया कैसे आया ये, क्लियर समझ में आया, वेरी सिंपल है ना, सिर्फ लॉजिक लगाना है। सिर्फ ये भी आ सकता है R^(n-1) के पहले ये टर्म्स भी आता है। ठीक है, इसलिए हमने ये भी क्वेश्चन किया R³ + R² + R+1। ठीक है, समझ में आया, तो ये लिखना नहीं था, अंडरस्टैंड के लिए रख ले। ठीक है, तो बढ़ते आगे के स्टेप में, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + R + R² + \(n-2) + \(n-1)/\(n-1)। ठीक है, तो अभी इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर अगर गौर से देखेंगे तो क्या आएंगे, इधर ए जी पी में है टर्म, कैसे देखो, अगर R को 1 से डिवाइड करते तो R ही आएगा, R² को डिवाइड बाय R करेंगे तो भी R आएगा, R³ को R² से करेंगे तो R ही आएगा। तो यर 1 + R + R² + R^(n-2) + R^(n-1) इज इन GP, बराबर। तो हम सम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम वाला फॉर्मूला में क्या है, पहला टर्म 1 है, 1 / R^(n-1) / R-1, इधर हम R ग्रेटर देन 1 नहीं कंसिडर किया क्योंकि पिछले बार भी हमने R ग्रेटर देन 1 कंसिडर किया था सम में, इसलिए इधर R ग्रेटर देन 1। ठीक है, इधर Sn का वैल्यू आया, तो ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 / A ((n-1) / R^(n-1) / R-1। ठीक है, ये इधर R^(n-1) ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने ये इसको दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, S/(R^(n)) = P²। ठीक है, P² मिल गया, अभी ये सब चाहिए तो हम क्या करेंगे, अभी देखो ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हमको SR का टर्म एक साथ लाना है तो ये तो हो गया R का टर्म है, S चाहिए। ठीक है, S = क्या आया था हमारा, S = A^(n-1) / R-1), बराबर, S = A आया था। इधर देखा तो इधर A नहीं है पर 1 है, तो हम क्या कर सकते, इधर अगर मैं इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय A करूँगा तो उधर A आएगा, बराबर, तो उधर वोज करेंगे, ये बॉक्स पे लिखता हूँ, ये लिखना नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय A, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ता है, therefore R = 1/A²(r^(n-1) · A^(r^(n-1) / R-1)। ठीक है, ए क्यों लिया इधर, क्योंकि S आ रहा था इधर, तो अब लिख सकते हैं अभी 1/A²(r^(n-1) · S, बराबर। हमें क्या चाहिए, S / R के टर्म में चाहिए, तो R गेट्स हियर और ये इसको इधर डालते हैं तो क्या आएगा, S / R = A²(r^(n-1). ठीक है, क्लियर, अभी हमको क्या चाहिए, रेस टू एन चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, बोलो क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं ऐसे, एन से भी कर सकते। ठीक है, बस 2 की जगह एन, तो क्या आएगा, S / R (rest)(n)/A²(r^(n-1) · N। ठीक है, एन पावर ऑफ एन से दोनों जगह मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा, इधर क्या आएगा,
ए स्क्वायर एन एन टू आर रेस टू एन एन माइनस वन। ठीक है, अगर ठीक से देखे तो ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म क्या है, देखो आपको देखो क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए रेस्ट टू एन माइनस सॉरी ए रेस्ट टू एन टू मल्टीप्लाई आर रेस्ट टू एन माइनस एन माइनस वन। बराबर ये टर्म है ना, इसको इशू के क्वेश्चन वन करती थी। ठीक है, ये वाला टर्म है ना, तो वही सम टर्म इधर भी आए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, एंड वेरीफाई, ये सम बहुत इजी है, बस आप बार बार ये सम देखिए, आपको तो भी समझ में आ गया कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता है तो वापस से कमेंट मेंशन कर दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो क्या करूँगा, इससे और इजी वे में एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरे अभी क्या बोलूँ मैं आपको, अगर ये सब आप वापस रिवाइंड रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको वेरी वेरी क्लियरली आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे के सम पे। सम में क्या दिए, टेन टू सम में इफ एस एन कॉमा एस टू एन कॉमा एस थ्री एन आर द सम ऑफ एन टू एन थ्री एन टर्म्स ऑफ अ जी पी रिस्पेक्टिवली देन वेरीफाई दैट एस एन ब्रैकेट एस थ्री एन माइनस एस टू एन इज इक्वल टू एस टू एन माइनस एस एन होल रेस टू स्क्वायर। ठीक है, हमें ये शो डैट वेरीफाई करना है। ठीक है, बिल सम दिए सम ऑफ एस सम ऑफ टू एन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर दिए, पहले लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, एंड आर बी द सेकेंड, आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, आर बी द कॉमन रेशियो इन जी पी। बराबर, ठीक है, हमें एस एन का फॉर्मूला पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, इधर हम कंसिडर करेंगे आर ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू आर एस टेन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन फॉर आर ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन क्यों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी देखो आर माइनस वन है, तो क्या जो सिंपल होता है, तो एस एन का मिल गया क्या, एस टू एन। एस टू एन कैसे लिखेंगे, एस टू एन इज इक्वल टू एन की जगह टू आएगा, टू एन आएगा, तो ये टू सॉरी आर रेस टू टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। सेम वे एस थ्री एन लिख सकते, एस थ्री एन इज इक्वल टू ए रेस टू थ्री एन माइनस वन आर माइनस वन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये हाँ ठीक ये कंसिडर करते। ठीक है, ये तो क्या आएगा, एस एन माइनस सॉरी एस टू एन माइनस एस एन क्या आएगा, ए कट आर एस टू टू एन सन अपन आर माइनस वन। बराबर, माइनस एस एन के ए टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इधर इधर कॉमन क्या है, ए अपन आर माइनस वन, तो ए अपन आर माइनस वन इज कॉमन, सो मारेंगे लिए बचा क्या, आर एस टू एन माइनस वन माइनस आर एस टू एन माइनस माइनस प्लस प्लस वन। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, ए अपन आर माइनस वन आर एस टू एन माइनस आर एस टू एन। अब इधर क्या कॉमन है, आर एस टू एन कॉमन है। बराबर, तो आर एस टू एन को भी बाहर निकालेंगे, तो आर एस टू एन। ठीक है, आर एस टू एन ए अपन आर एस टू एन आर माइनस वन, इधर क्या रहेगा, आर एस टू एन माइनस वन। बराबर, आर एस टू एन वन कॉमन निकला ना, इसलिए आर एस टू माइनस वन। तो फाइनली हम कैसे लिख सकते इसको, फाइनली आर एस टू एन इज इक्वल टू सॉरी आर एस टू एन मल्टीप्लाई बाई ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ऐसे लिख सकते इसको हम इक्वेशन वन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एस थ्री एन माइनस एस टू एन विच इज इक्वल टू एस थ्री एन के ए आर एस टू थ्री एन माइनस वन अपन आर माइनस वन माइनस ए आर एस टू टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। सेम इधर क्या कॉमन है, ए अपन आर माइनस वन कॉमन है, बचा क्या आर एस टू थ्री एन माइनस वन माइनस आर एस टू टू एन प्लस वन।
ठीक है। तो क्या आएगा अभी, ए अपन आर एस टू आर अपन आर माइनस वन, आर एस टू थ्री एन माइनस आर एस टू टू एन। ठीक है, अब इधर क्या कॉमन निकलेंगे, आर एस टू टू एन कॉमन निकलेगा, आर माइनस वन आर एस टू एन माइनस वन। तो इसको हम फाइनल कैसे लिख सकते हैं, आर एस टू टू एन टू ए अपन आर माइनस वन आर एस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो अभी उधर शो क्या किया था, शो डेट हमको ये करना था, एस एन मल्टीप्लाई बाय एस थ्री एन माइनस एस टू एन, बराबर ये एस थ्री एन माइनस एस टू एन इज इक्वल टू। ठीक है, तो एस एन क्या, एस एन हमारा ए अपॉन आर माइनस वन आर एस टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ये जो है आर एस टू एन ए आर माइनस वन आर एस टू एन माइनस वन। ठीक है, अगर तो नोटिस किया तो ए और ए सेम है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, आर एस टू एन मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन आर माइनस वन टू आर एस टू एन माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, आर रेस टू एन इन टू ए अपन आर माइनस वन आर एस टू एन माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर लिख सकते ना। ये क्या है, ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी द होल स्क्वायर भी लिख सकते। ये क्या बना, ये क्या है, ये टर्म ये आया ना, एस टू एन माइनस एस वन इज इक्वल टू ये वाला टर्म आया, बराबर हो, इसका स्क्वायर आया, मतलब इसका स्क्वायर आया है। तो हम कैसे लिखेंगे, एस टू एन माइनस एस एन होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन, बराबर, देयर फोर एस एन एस थ्री एन माइनस एस टू एन इज इक्वल टू एस टू एन माइनस एस एन द होल स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। सिंपल समझा ना एकदम, बस हमें फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। ओके, बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, चलो लिखो, नोट डाउन करो। ठीक है, बढ़ते अगले सम, सम में क्या लिखा, फाइंड समेशन ऑफ थ्री इंटू टू आर, आर इज इक्वल टू वन अप टू टेन। ठीक है, अभी ये समेशन है, मैंने आई थिंक पार्ट वन वीडियो में मैंने बताया समेशन का मतलब क्या है। ठीक है, लिंक पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है, देखो समेशन क्या रहता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या है, समेशन आर इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या रहता है, पहले ये क्वेश्चन लिख लेंगे हम, आर इज इक्वल टू वन टेन टू थ्री इंटू टू आर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अभी देखो इसका मतलब क्या है, कि अगर थ्री इंटू टू, पहले आर का वैल्यू किधर से जुड़ रहा है, वन से जुड़ रहा है, तो थ्री इंटू वन बराबर प्लस प्लस थ्री इंटू टू रेस टू टू प्लस थ्री इंटू टू रेस टू थ्री ऐसे प्लस अप टू द थ्री इंटू टू रेस टू टेन, क्योंकि आर लास्ट में कितना, टेन है, मैं ज़्यादा लिख सकता था आगे किया, तो भी मैंने डैश 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 करके अप टू थ्री इंटू टू रेस टू टेन लिखा है। इसका मतलब ये है मीनिंग, थ्री इंटू टू रेस टू वन प्लस थ्री टू थ्री इंटू टू रेस टू टू प्लस अप टू द थ्री रेस टू इंटू टू रेस टू टेन। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, इधर क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है, बराबर थ्री को बाहर निकाला तो बचा गया थ्री रेस टू टू रेस टू वन प्लस टू रेस टू टू प्लस टू रेस टू थ्री प्लस टू रेस टू फोर प्लस अप टू द टू रेस टू टेन, बराबर। तो ये देखा तो ये जी पी में टू रेस टू क्या है, फोर, फोर डिवाइड बाई टू इज टू, टू रेस एट इज एट, टू रेस थ्री इज एट डिवाइड बाई फोर इज ऑल्सो टू, सो वी कैन राइट हियर हियर टू कॉमा टू रेस टू टू कॉमा टू सॉरी प्लस प्लस कॉमा नहीं, ठीक है, प्लस लिखना टू रेस टेन आर इन जी पी, बराबर। तो पहले टाइम का ए इज इक्वल टू टू आया, आर इज इक्वल टू फोर अपन टू विच इज टू, तो हम इसका सकते आर का वैल्यू इधर टू है, मतलब ग्रेटर देन वन है, तो हम इसका सकते फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई आर एस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन फॉर आर ग्रेटर देन वन, बिकॉज आर इज इक्वल टू टू, ए क्या इधर टू
बराबर आर क्या है, 2^n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो हमें लास्ट का वैल्यू क्या है, इधर 10 दिए तो n, मतलब ये 10 है तो इधर n का वैल्यू भी 10 आता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 × 10⁻¹ आर क्या है, 2। ठीक है, 2 - 1, 10 क्यों लिखा, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 अप टू कितना, 10 तक ये, इसलिए हमने 10 लिखा इधर n की जगह। ठीक है, तो 2^10 इज वॉट, 2^10 इज 1024 - 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2 × 1023 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 4, 02046। ये वैल्यू को हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इसका वैल्यू। ठीक है, तो क्या आएगा लास्ट में, 3 × 2046 विच इज इक्वल टू 3 × 6 = 18, 1 year, 3 × 4 = 12, 13 0136 61138। बराबर समझ में आया, ये टर्म इसका ही था, ये इसका टर्म का आंसर था 2046, 3 रह गया था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6138 आया। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करने, अगर क्या करेंगे हम इधर, चलो एग्जाम में कैसे लिखना है, ये जैसे लिखना है, इसको पहले क्वेश्चन 1 कंसिडर करेंगे, फिर हियर करके आएंगे। ठीक है, फिर क्या क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, थोड़ा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखना है। ठीक है, समझ में आया, इसका जो सेकेंड सम है वो आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, सेम में सेम सॉल्व करना है आपको, ऐसे कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। चलो बढ़ते अगले वाले सम में, विच इज 12th सम। ठीक है, 12th सम में कह दिया, 12th, द वैल्यू ऑफ अ हाउस एप्रिशिएट 5% पर ईयर, हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर इफ इट्स करंट वर्थ इज ₹15 लाख। ठीक है, इधर क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ अ हाउस एप्रिशिएट, एप्रिशिएट इंक्रीज हो रहा है 5% पर ईयर, 5% ईयर में इंक्रीज हो रहा है हर ईयर में। ठीक है, हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर्स, हमें ढूंढना है 6 ईयर्स में कितना इंक्रीज होगा, इफ इट्स करंट वर्थ इज ₹15 लाख। ठीक है, इधर गिवन में क्या क्या दिया है, 1.05:5 = 1.28, 1.05:6 = 1.34। अच्छा अच्छा होगा, अगर लोग ने गिवन में दे दिया, वरना हमें तो लॉक टेबल यूज़ करना पड़ा रहता है कि नहीं। चलो शुक्र माने हमको गिवन दे दिया। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है, पहले क्या है, वैल्यू ऑफ हाउस कितना है, वेरी सिंपल सम है। ठीक है, वैल्यू ऑफ हाउस कितना है, ₹15 लाख। ठीक है, 15 लाख, तो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ हाउस एप्रिशिएट फॉर 5 ईयर्स पर ईयर, तो एप्रिशिएट कितना हो रहा, एप्रिशिएट इज इक्वल टू 5%। बराबर 5% मतलब 5% को हम कैसे ले सकते, y/100 विच इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, आफ्टर 6 ईयर्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं हम कंसिडर करें आफ्टर फर्स्ट ईयर में वो कितना इंक्रीज होएगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज होगा, 15। बराबर 15 प्लस क्या आएगा, 15 × 5%। बराबर ये ईयर का होएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते, 15 + 15 × 5/100 विच कैन बी, अगर हम इसमें 15 कॉमन निकाले तो 15 × 1 + 5/100 को कैसे लिखेंगे, 0.05। बराबर देखो ये क्या लिखा मैंने, 15 + 15 × 5% क्यों, ये तो वैल्यू था। ठीक है, पहले ईयर में कितना इंक्रीज होगा, 5% इंक्रीज होगा, किस में से, 15 में से इंक्रीज होंगे। बराबर, तो इसलिए मैंने 15 × 5% लिखा है। ठीक है, तो 15 इधर 15 कॉमन निकला तो 1 + 0.05 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 + 15 × 1.05। बराबर, तो ये तो हो गया पहला ईयर में कितना इंक्रीज हो गया, तो हमें पूछा है कितना 6th ईयर में कितना इंक्रीज होगा, 6th ईयर में, तो आफ्टर 6th ईयर में कितना इंक्रीज होगा,
60 ईयर्स कितना इंक्रीज होएगा बोलो, आफ्टर 60 ईयर में कितना इंक्रीज है? 5 चलो 15 इंटू, ये पहला ईयर हो गया ठीक है, 1.05 से पहला ईयर में इंक्रीज हो गया, ऐसे 60 ईयर में कितना इंक्रीज होगा? मतलब पहला ईयर कट हो गया है, अभी कितना चाहिए? 5 ईयर ढूंढना है, तो 5 ईयर में भी 1.05:5 इंक्रीज होएगा, बराबर है कि नहीं? देखो ये पहला ईयर में इतना इंक्रीज हो गया, तो और 5 ईयर में कितना इंक्रीज होगा? इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएंगे वो, तो अभी लिख सकते हैं 15:1.05:6 विच इज़ क्या है, गिवन में क्या दिया है? 1.34 बराबर, तो 15:1.34 विच इज इक्वल टू 20.1 लाख ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स में इतना रुपीज़ इंक्रीज होगा, रुपीज़ 20.1 लाख, इजी था ना सम, है कि नहीं? पहले क्या लिखा इधर? वैल्यू ऑफ हाउस लिखा है, फिर अप्रिशिएट उसमें कितना इंक्रीज किया आफ्टर हमने कंसिडर किया पहले ईयर में कितना इंक्रीज कर सकते हो, ऐसे 6th ईयर में कितना इंक्रीज होएगा, ये तो पहले ईयर में इतना इंक्रीज हो गया तो 6th ईयर और बचा कितना? 5 ईयर्स, इसलिए 5 ईयर्स में इतना इंक्रीज, दोनों को मल्टीप्लाई, 6 आया, इसका वैल्यू दिया था हमें, इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 20.1 लाख बराबर। 13 वाला सम बराबर सेम इसी तरह है, तो वो भी मैं होमवर्क देता हूँ ठीक है। तो इधर हम हमारा एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म कर फिनिश कर दिया ठीक है। आई होप अगर किसी को इसमें डाउट है तो कमेंट में मेंशन करो, और मुझे लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी बेस्ड ऑन नेक्स्ट टॉपिक, और उसके साथ हम एक्सरसाइज 2.3 भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, ओके चलो बाय।